दैट वी विल टू स्टार्ट इज इलास्टिसिटी एस्टिमेट्स। एंड आपको पता है कि हमने डिस्कस किया है कि मार्शल लॉ की कंडीशन थी वो ये थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स जो कि एन एम से शो हो रही थी, और कह रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स जो एन एक्स से शो हो रही थी, कह रहे थे इन दोनों का सम करें तो वो ग्रेटर दैन वन होगा। ठीक है जी, अब मार्शल लर्नर इनकी ये कंडीशन थी कि इन दोनों जो डिमांड कर्व्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के, इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसका सम करें तो ग्रेटर देन वन होगा। कहने का मकसद ये था कि मोर इलास्टिक डिमांड कर्व्स थे, इन इलास्टिक नहीं थे, मोर इलास्टिक थे। अब ये जो सारी बात उसने कहा जी कि ये कंडीशन है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की के स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री कैसे प्रूफ होगा कि ये जो कंडीशन उसने बनाई थी मार्शल लॉ की थी, ये हिस्टोरिकली फैक्ट्स के साथ इसको कोई सपोर्ट मिलती है। तो आगे जो आपका सारा है ना बिफोर वर्ल्ड वॉर टू वहाँ से लेकर आगे तक ये सारा वो जो है ना इन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मार्शल ने ये बात की थी ना वो उसने वर्ल्ड वॉर टू से पहले के जो डाटा था उस पर बेस करके की थी। अब जी वर्ल्ड वॉर टू के बाद और उस दौरान का जो टाइम था उसके ऊपर जब डाटा रन किया गया तो पता चला कि 21 मुल्कों का उन्होंने डाटा लिया और पता चला कि जो डिमांड और सप्लाई करते वो जो फॉरेन करेंसी में उन्होंने लिए उसका पता चला कि वो लेस इलास्टिक थे, जो आपकी उस डायग्राम में कर्व्स थे लेस इलास्टिक कर्व ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ यूरोस। ठीक है, डिमांड फॉर यूरो ये जो थे ना ये लेस इलास्टिक कर्व्स थे। तो अब वो कह रहे हैं कि मार्शल ने ये बात कही थी कि ये जो हैं ये मोर इलास्टिक हैं, लेकिन जो फैक्टर और फिगर्स आ रहे जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास हिस्टोरिकली वो तो कह रहे थे लेस इलास्टिक हैं। उसके बाद दोबारा जो ऑर्किड था उसने कन्विंसिंग रीज़न प्रोवाइड किया, उसने कहा कि जो रिग्रेशन टेक्निक आपने यूज़ की है इलास्टिसिटी एस्टिमेट करने के लिए उसने अंडर एस्टिमेट की है, यानी कि आपकी जो टेक्निक थी उसने बताया कि जो डिमांड कर्व्स फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की जो प्राइस इलास्टिसिटीज हैं वो कम है जबकि हकीकत में इससे ज़्यादा होंगी। अब आगे वो सारा ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि रियलिटी में जो डिमांड है वो बहुत से फैक्टर्स से इफ़ेक्ट हो रही होती है, सिर्फ प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल शेप है उसमें डिफरेंस आता है। अब आगे जो सारा है ना जो डायग्राम में वो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने लेस इलास्टिक कर्व को तो देख लिया लेकिन आपने मोर इलास्टिक कर्व था उसको हिस्ट्री की जो डाटा था उससे रिग्रेशन ने उसको नहीं मैटर में नहीं लाया, नज़र में नहीं लाया और उसको आपने इग्नोर कर दिया, जिस वजह से आपने अंडर एस्टिमेट किया या कम बताया या लेस इलास्टिक शो किया डिमांड कर्व को। अब उन्होंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए इसी पॉइंट को वो जो पीछे एक्सपोर्ट मार्केट का था पैनल 16.2 में उसी को लिया है, उसका वो बता रहे हैं कि जिस वक्त एक मुल्क था उन्होंने एक चीज डिवेल्युएशन की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया डिवेल्युएशन, मकसद क्या था कि हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती होंगी तो हमारी जो है ना फॉरनर्स वो डिमांड ज़्यादा करेंगे हमारी प्रोडक्ट की, हमें जो फॉरन करेंसी की सप्लाई है उसमें पेमेंट होगी, सॉरी फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई मुल्क में ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या हुआ कि जिस वक्त डिवेल्युएशन हुई उस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो हो गई चीप। ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ कि आपके जो एक्सपोर्टर्स थे वो कम प्राइस के ऊपर भी अपनी जो सप्लाई थी वो ज़्यादा करके करने के लिए तैयार थे एक्सपोर्ट्स की, इसीलिए आपका जो सप्लाई कर्व है वो SX से SX स्टार डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है कि ये इंक्रीज होती है जिस वक्त प्राइस कम होती है उस वक्त भी। लेकिन हुआ क्या कि आपका जो था ना डिमांड कर्व ये आपकी ऐसे फिगर होगी S से S स्टार की तरफ शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड। ठीक है,
अब क्या हुआ कि जो आपका डिमांड कर्व था वो जो एस्टिमेट करने से आया ना, वो कहे जी उन्होंने डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है, ठीक है, ये पहली प्राइस थी, ये दूसरी प्राइस है जो डिटरमिन हुई। फर्स्ट वाले को उन्होंने कहा है ई, सेकंड वाले को कहा है इक्विलिब्रियम को ई स्टार। तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक लेवल है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा लेवल है, लेकिन जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो कि इस वजह से कि प्राइस जो आपका डिमांड फॉर एक्सपोर्ट है वो इन इलास्टिक है, ये वाला जो डिमांड कर्व है ना इसको लिया हमारे। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो डिमांड कर्व में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, ये जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, और वो वैसे ही रहे, तो इसका मतलब है या टेस्ट वगैरह में चेंज होने से भी डिमांड में चेंज ना आए, तो इसका मतलब है अगर डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है तो आप ई से ई स्टार पे चले जाओगे अपने इक्विलिब्रियम में। लेकिन एक नई चीज़ यहाँ पर आ रही है कि ई से ई स्टार की तरफ जो मूवमेंट है वो तो ये जो डी डैश स्टार सॉरी डी डैश एक्स और डी डबल डैश एक्स हैं जो मोर इलास्टिक डिमांड कर्व हैं, इनके साथ भी कंसिस्टेंट हैं ये ई और ई स्टार के जो पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम के। वो ये बता रहे हैं कि आपने जो एस्टिमेट किया था वो डिमांड कर्व यूं था लेस इलास्टिक, लेकिन एक्चुअली जो डिमांड कर्व है वो ये वाला डी डैश एक्स था जो कि मोर इलास्टिक था, जो बाद में पता चला। और चूंकि उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट यही मिल रहे थे ना, और उनका जो रिग्रेशन था उसने कहा था कि डिमांड कर्व जो है वो लेस इलास्टिक है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो लेस इलास्टिक है, ई और ई स्टार हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, उसका मतलब है कि यही कर्व है जो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दो दोनों पॉइंट हैं ये कोरिस्पॉन्ड करते हैं आपके मोर इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर एक्सपोर्ट से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूएस की जो एक्सपोर्ट मार्केट थी, और एक्सपोर्ट करने वाला कौन है, यूएस है, और इस एक्सपोर्ट को ख़रीदने वाला डिमांड करने वाला कौन है, फॉरनर। तो सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने बता दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आपके मोर इलास्टिक डिमांड कर्व से। अब देखो हम इन्होंने क्या की थी, डिवेल्युएशन की थी, प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई थी, और उनकी जो सप्लाई थी एक्सपोर्ट की वो ज़्यादा हो गई थी, ये शिफ्ट जो हुआ है इसके अंदर। अब वो एक्सपेक्ट कह रहे थे कि हमारी जो है वो डिमांड में इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि टेस्ट में चेंज आ गया और फॉरनर जो है उन्होंने आपकी डिमांड जो है वो कम कर दी। वैसे तो यहाँ से यहाँ मूव कर जाते अगर डिमांड सेम रहती, मतलब कर्व सेम रहता और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो जाती, जैसे कि 12.2 के जो पैनल था एक्सपोर्ट्स का वहाँ पे हुआ था। अब हो ये रहा है कि टेस्ट जो है वो चेंज हो गए हैं, इस तरह से चेंज हुआ है कि लोगों ने यूएस की एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो कम कर दी है। तो जब कम की है तो उनका डिमांड कर्व जो है वो यू शिफ्ट हो गया है नीचे को, और इस वजह से ये जब ई पॉइंट पहले था इक्विलिब्रियम ई डैश की तरफ चले गए हैं, और सेम उसी तरह से प्राइस जो है वो कम हुई है, और थोड़ा सा बस इंक्रीज़ आया है, जो ज़्यादा इंक्रीज़ आ सकता था वो नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो एस्टिमेट किया था वो आपने अंडर एस्टिमेट किया था, जबकि रियलिटी जो है उसमें मोर इलास्टिक डिमांड कर्व्स थे। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये बस आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लें, ये आपने सिर्फ इसको जस्ट रीड आउट करना है कि नेक्स्ट जो है वो क्या फैक्टर फिगर से क्या सपोर्ट मिली थी इसको और इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। तो यही सारा जो है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, और इस डायग्राम का यही लिंक है इस पूरे प्रोसेस इस टॉपिक के साथ कि आपने जो एस्टिमेट की थी, जाहिर है एक बंदा जो है वो एक लॉ बनाता है और उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, मार्शल लर्नर जो है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसकी बेस पर उन्होंने ये लॉ बनाया था कि ये दोनों डिमांड फॉर एक्सपोर्ट डिमांड फॉर इम्पोर्ट इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्लस करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जब बाद के लोगों ने उसको टेस्ट करना शुरू किया डाटा के ऊपर, इंटरनेशनल डाटा था मुख्तलिफ मुल्कों का, तो पता चला कि ये लेस इलास्टिक थी। लेकिन ऑर्कर्ट जो है उसने बताया कि आप जो रिग्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसने अंडर एस्टिमेटेड आपको कर्व्स दिए हैं, उसने आपको
लेस इलास्टिक डिमांड कर्व शो की है, अंडर एस्टिमेट किया इलास्टिसिटी को, आपका जो टेक्निक थी वो दिखनी थी, क्योंकि इन्हीं दो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कॉरेस्पॉन्ड करते हुए मोर इलास्टिक कर्व्स थे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे, और उस वक्त जो कमी आई थी डिमांड में या कम इंक्रीज हुआ था डिवेल्यूएशन के बाद क्वान्टिटी ऑफ एक्सपोर्ट डिमांडेड में, वो इस वजह से था क्योंकि फॉरनर्स का टेस्ट जो है वो कम हो गया था आपकी US की एक्सपोर्ट खरीदने के लिए। और बस यही है कि आपने अंडर एस्टिमेट किया था, एक्चुअल इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, और ये जो सारा है ना आगे वो यही चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं। आपका भी टॉपिक कंप्लीट हो गया।